गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल्फ हेल्प में। तो आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि फिलहाल जो है ना टाइम हो चुका 8:30 को ना, बाहर बिल्कुल धूप नहीं है, देख लो बिल्कुल धूप नहीं है। और कपड़े धोने जरूरी है क्योंकि चिकू ने सारे कपड़े भिगा के रखे हुए हैं। अभी चिकू खेल रहा है, चिकू दिखाओ, चूँकि यहाँ पे खेल रहा है, मुझे कपड़े धो रही, मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए ना आपको बता नहीं सकती हूँ। लिटरल देखो हाथ ऐसे हो गए, कपड़े धो रही हूँ, इसमें कपड़े धोने के लिए डाल रखा है, इसमें सुखाने के लिए डाल रखे हैं, वहाँ पे पानी लगा रखा है, वहाँ पे फिर धो रही हूँ पानी कपड़े। और हाथ से खंगालने पड़ते हैं ना, क्योंकि धो तो हम मशीन में लेंगे लेकिन खंगालने तो हाथ से पड़ेंगे, बहुत ठंडा पानी हो रहा है। तो इसलिए मैं सोचूँ पहले कपड़े धो लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम हो चुका है पूरे 10 बजे का, और ना बेटा कुछ नहीं, मैं नहा के आ चुकी हूँ, बहुत ठंडा हो रहा है और नहाने के बाद भी कपड़े धो दिए। आइडिया आया है क्या, अभी गिर गए थे ना, और तो आज मैंने ना ये बहुत पुरानी वाली नाइट ड्रेस पहना है आपने, ये जब चीकू था ना तब उस टाइम पे पहनी थी मैंने, तब से मैं आज पहन रही हूँ। मम्मी भी आ गई है सब्जी लेके यहाँ पे, और चीकू भी खेल रहा है। चीकू हेलो, और कपड़े दिखा देते मैं आप लोग को आज की, मैंने आज कितने कपड़े धोए, मर गए थे देखिए, अगर ना धो तो मुश्किल है। चीकू के कपड़े देख सकते हो आप, ये इस तार के पीछे पूरे चीकू के कपड़े हैं, ये देखो। और बस यही है, और बाहर अभी धूप आने लगी थोड़ी, अभी बाहर बैठूंगी, पहले सर को अच्छे से सुखा लूंगी उसके बाद बैठूंगी। और सर को मतलब मैं ड्रायर वगैरह से नहीं सुखाती हूँ, ऐसे आप सूख जाता है, टावल लगाऊंगी तो अभी सूख जाएगी। और बस यही है, अभी कुछ भी नहीं खाया है, चिकू के चॉकलेट दूध बनाया है, पहले उसको चॉकलेट दूध पिलाती हूँ उसके बाद मैं और काम करूँगी, पहले उसका खाना जरूरी है फिर मैं पिलाऊंगी, फिर मैं करूँगी और काम। क्या बाबू, आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती, परेशान कर दिया इसने। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे अपने बाल फिर से बांध ऊपर कर लिए हैं, क्योंकि ना पीछे से पानी तरग रहा है, जब बाहर जाऊँगी धूप में बैठने के लिए तब जाके बाल खोलूँगी। और अभी मैं खा रही हूँ ये लड्डू जो मैंने बनाए थे, आप देख सकते हो, और दूध पी रही हूँ क्योंकि सुबह से इतना ठंडा हो गया ना, इतना ठंडा और इतना काम हो जाता है सुबह सुबह उठ के, कसम से बहुत सारा काम हो जाता है, और मन भी नहीं करता कपड़े धोने का, बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि इतनी ठंडी रहती है, इतना ठंडे पूरे हाथ अकड़ जाते हैं ठंडे पानी से धोने में, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, बच्चे का कपड़े नहीं धोंगी तो फिर बच्चा का क्या होगा। और वैसे भी उसके उसने सारे कपड़े भिगा दिए अपने, जितने भी कपड़े थे ना सारे में सूसू कर दी किसी में कुछ, तो इसलिए मैंने कहा धोना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो धो दिया मैंने, धूप आएगी नहीं आएगी देखा जाएगा, जैसा भी होगा धो तो दिए हैं। और आज अंदर क्या कहते हैं, आज मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया सुबह क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, इतना काम था सुबह से, तो इसलिए झाड़ू पोछा सभी हो जाता है। और तो फिर मैंने सोचा कि फिर ब्रेड लेके आए थे, ब्रेड दूध खा लिया सबने, और मैं ब्रेड बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, इसलिए मैं ये लड्डू और दूध पी रही हूँ। ये तिल के लड्डू हैं, गोंद के लड्डू नहीं है, तिल के लड्डू हैं, जो ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, तो वो बनाया मैंने। कुछ नहीं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, पहले दूध पीती फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चीकू पी रहा है चॉकलेट दूध, है ना, जल्दी पियो फिर भी मैं गुस्सा करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम हो गया है 11:30 का, और चीकू ने भी नहा लिया है, देखो चीकू भी नहा के बिस्तर के अंदर घुसा हुआ है ना। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ अमरूद और गाजर, मेरा अमरूद और गाजर खाने का टाइम हो गया, और चीकू के लिए ओट्स बना रखा है, अब ये मांग रहा है मुझसे किशमिश, क्या खाना है किशमिश, अब भी मैंने किशमिश दिया है, फिर से किशमिश खाना है। मैं अपना फ्रूट खाऊंगी, काट के धो के लेके आई हूँ, अब इसको दूंगी किशमिश थोड़ा सा, और उसके बाद नहीं दूंगी, एक बार ही और दे देती हूँ 4-5 फिर नहीं दूंगी ये इसको, इतना मतलब कि कुछ चीज़ ना इसको दिखाने नहीं चाहिए, अगर तुम दिखा दोगे ना उसके बाद ही ऐसे ही करेंगे। और कभी कभी पता इतने बड़े बड़े वर्ड बोलता है ये, अभी मुझसे पता क्या बोलता है, ये खा रहा है किशमिश। तो ना मैंने इसको बिस्तर, क्योंकि बाहर धूप इतनी है नहीं, और तो मैंने सोचा कि बिस्तर मैंने बिछा रखा था कि बिस्तर के अंदर बैठा रहेगी, हाँ ये बिस्तर के अंदर लेटा है, और तभी इसको जाके, क्योंकि इसको नहलाया मैंने आज, और कम से कम इसने आज एक हफ्ते बाद नहाया है, बच्चों को जल्दी नहीं नहा सकते क्या बेटा, ठीक है। तो ये है फिलहाल कुछ ऐसी बात है, और ये मुझसे बोलता है मामा मैं टायर्ड हो गया हूँ, मम्मा हाँ बड़ा स्लाइम, बड़ा स्लाइम पापा से मंगा रखा है,
आज स्लाइम के पीछे पड़ रखा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद कि पहले अपना फ्रूट खाना बहुत जरूरी है। तो मैं दूंगी नहीं अमरूद वगैरह, नहर का ठंडा होता है, हम तो रोज ही नहाते हैं। तो आप लोगों से मिलते थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों दिन के बज चुके हैं 12:30 और मैं यहाँ पे चीकू बाहर खेल रहा है, इसके पापा गए हैं फ्रूट्स लेने के लिए, फ्रूट्स खत्म हो गए थे। मैं यहाँ पे दिन का खाना बना रही हूँ, चीकू और मम्मी खाएंगे रोटियाँ और हम खाएंगे चावल, देवर तो खाएगा नहीं ऑब्वियस सी बात है, आज उसका फास्ट है। तो मैं आज बना रही हूँ भटके डुबके फिर से गाँव वाले, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं बनाती रहती हूँ। और सुबह की सब्जी बची हुई है आलू और गोभी की, नहीं गोभी और मटर की, तो ना ये बनाऊँगी मैं। और मेरा गर्मा गर्म में खाना खाने का मन कर रहा था, मैं अपने हस्बैंड के लिए चावल बनाऊँगी और मम्मी और चीकू रोटी खाएंगी। तो फिलहाल बनाती हूँ और इसको ना बहुत चलाना पड़ता है तब जाके अच्छे से ये बनता है, और कम से कम 1 घंटा इसको धीमी आँच पर पकाना पड़ता है तब जाके ये बनता है। तो मैं बनाती हूँ इसको, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो अभी इसके पापा आ गए हैं और इसके पापा के लिए बहुत सारा सामान मंगाया था, मैगी मंगाई थी, मैगी ना आटा नूडल्स है घर पर, ना मुझे आटा नूडल अच्छा नहीं लगता, कभी कभी तो मैगी खाता है, मैगी ज़्यादा नहीं खाते हम लोग। तो तब मैंने सोचा कि आटा नूडल हमारे लिए चूगले हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा। और मैंने मंगाया है मक्के का आटा, मेरा मक्के का आटे की रोटियाँ खाने का बड़ा मन कर रहा था सरसों के साग के साथ, तो बनाऊंगी अब क्या। हाँ चूगले, इसके पापा स्लाइम लेके आए, ग्रीन है। हाँ देखा, ग्रीन है, ग्रीन। हाँ जाओ मम्मा। और इसके चीकू को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, इसलिए इसके पापा 2 डब्बे स्ट्रॉबेरी के लाए हैं, 1 डब्बा ये है और 1 डब्बा मैंने धोने के इसमें डाल रखा है। क्या बाबू क्या चाहिए, प्लेट दे दो लो। ये जाओ, ये जाओ बेटा, नहीं चम्मच भी दो, चम्मच छोटा वाला चम्मच देती हूँ, ये लो जाओ बड़ा चम्मच, हाँ बड़ा चम्मच। तो ये सब है, इसके पापा सामान लेके आए हैं। और इसके पापा से मैंने मंगाए थे ऑरेंज मंगाए थे, अमरूद मंगाए थे, और ये ना एक बार होता है मैं ये पापड़ मंगाए थे इसके पापा से मैंने, क्योंकि ना मुझे पापड़ इतने पसंद है मैं क्या बताऊँ, आप लोगों को पसंद नहीं होंगे पर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए जब ना कभी शाम को चाय पीता ना मेरा पापड़ खाने का बहुत मन करता, तो मैंने कहा कि पापड़ ले आना, तो वो लेके आ गए। तो सब सामान लेने के बाद वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऑफिस का काम करना जरूरी है, ये सामान भी जरूरी था, बट वो फाफड़ा अपने ऑफिस का काम करने के लिए चले गए उस कमरे में। अब मैं खाना भी आज उनको उसी के कमरे उनके कमरे में दे दूँगी, वहाँ पर जिस कमरे में पापा रहते हैं उस वाले कमरे में, क्योंकि ना क्या बोलते हैं यहाँ पे चीकू बिल्कुल भी उनको पढ़ाई नहीं करने देता, इसलिए वहाँ गए हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद सामान सेट करने के बाद। तो हमारा एक स्वेटर बनके और रेडी हो गया है, ये देख लीजिए, ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा स्वेटर लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारा कलर है ये, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है, देख सकते हो ना प्यारा कलर है, बहुत ही अच्छा बनके रेडी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनके। मैं एक बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, ये है हमारी एक स्वेटर, हाफ स्वेटर जो अंदर से पहन सकते हो, देखो किस तरीके से मैंने बनाई है, इस तरीके से बनाई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी, इसका कलर ना बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कलर है इसका, बहुत ही प्यारा कलर। तो दोस्तों यहाँ 6:00 और शाम की चाय जो है बन चुकी है, मम्मी भी वहाँ पर ना चाय पी रही है, पापड़ खा रही है, मैंने भी आज चाय और पापड़, ये वाले पापड़ बनाए हैं आज मैंने, कल मैंने वो हाँ ये इसका स्लाइम है, तो ये वाला पापड़ बनाया है। और इसका चाचा जो है ना वो आ गया मंदिर से, इसके लिए ये लेके आया है, दिखा ना ये कड़ा आप देख सकते हो, ये कड़ा और एक गले में पहन रखा है इसने ये माला, ये लेके आया है, बहुत ही प्यारा है, हाँ बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो हाथ में भर जा नहीं रहा था पर मैंने ऑयल डाला ना तो चले गया, तो ऑयल लगा के हाथ में वो चले गया कड़ा। और तो दोस्तों यही है, फिलहाल हम पी रहे हैं चाय और पापड़ खा रहे हैं, मेरा बड़ा मन था कब से ये पापड़ खाने का, गाँव में ना जब होली होती थी ना उस टाइम पर पापड़ बनते थे, बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो दोस्तों यहाँ पे बन रहा है रात को मटर पनीर, मटर पनीर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देवर का भी वो है फास्ट है, और वरना 2-3 चीज़ की सब्ज़ी बनानी पड़ती है, तो इसलिए मटर पनीर बना रही हूँ ताकि सब खा ले। और यहाँ मटर पनीर के लिए मसाला मैंने रेडी कर दिया है, मसाले में मैंने लहसुन प्याज किसी का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ डाला है हरी मिर्च धनिया और टमाटर को अच्छे से
ग्राइंडर में मिक्स करके बना रही हूँ। और ये मैंने जो चिंग की रैम पे लगा, मैं जैसे लक्ष्मी लगा पे ले आई हूं, मैं भी वैसे चिंग की रैम पे लाई मैं इसको, तो चिंग को बिल में डाल। मम्मे मम्मे मम्मी मम्मी आप क्यों, क्या हुआ मम्मी, तुम क्यों बात नहीं कर पा रहे हो मम्मी, क्या हुआ मम्मी, मम्मी ऐसा करो आपका मुंह लगता है ऐसे ऐसे मम्मी आपने गाना सुना है मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर, तू माने मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे 9:30 होने वाले हैं और सबको मैंने खाना दे दिया है, देवर ने भी मेरा खाना खा लिया, उसका फास्ट था ना तो उसको भूख लग रही थी, तो वहाँ से भी वहाँ भी उसने अच्छे से खाना नहीं खाता, इसलिए पहले उसने फ्राइड राइस खाए फिर उसने रोटी खाई, ठीक है। और उसके बाद अब चीकू खा रहा है अपना खाना, चीकू खा रहा है यहाँ पे, चीकू अपने चाचा का पता नहीं क्या लेके आया है बंदूक, और यहाँ पे खा रहा है स्ट्रॉबेरी, मैंने मना किया इसको रात को स्ट्रॉबेरी खाने के लिए, स्ट्रॉबेरी मत खाओ बेटा, मैं ले जाऊँ मत खाओ, देखो स्ट्रॉबेरी के लिए रो रहा है। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यही पैन करती हूँ, आई होप कि आपको मेरा जो ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इसको देख लो एक बार, बोल रहा हंग्री हंग्री हंग्री। तो दोस्तों इस वाले ब्लॉग को मैं यही पैन करती हूँ, आई होप कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मैं ऐसी वीडियो ऐसे ब्लॉग आप लोगों के साथ हमेशा शेयर कर सकूँ। तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय।